भारत के बदले का नया वीडियो। पाकिस्तानी बंकर पर गोलों की बारिश। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू से दहला पाकिस्तान। पाकिस्तान पर दे तनादन। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखला गया है। जिन चौकियों और बंकरों में बैठकर पाकिस्तान सेना के जवान आतंकियों की घुसपैठ करते थे, भारत के शूरवीरों पर कायराना वार करते थे, भारतीय सेना अब एक एक कर उन चौकियों और बंकरों को तबाह कर रही है। देखिए भारत के बदले का नया वीडियो। पाकिस्तान की नापाक चाल के खिलाफ भारत के बदले का ये नया वीडियो है। देखिए कैसे भारतीय सेना के गोलों की बारिश में ताश के पत्तों की तरह उड़ गया पाकिस्तानी सेना का बंकर। सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना के जवान इन बंकरों को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करते थे। आतंकी यहां भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए रहते थे और इसलिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने अपने ताबड़तोड़ प्रहार से इन बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना का यह हमला इतना जबरदस्त था कि बंकरों में बैठे आतंकियों और पाकिस्तानी जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बंकरों के साथ ही उनके भी परखच्चे उड़ गए। भारतीय सेना के बदले के इस नए वीडियो के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अगर इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ इससे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हमें अभी ये पाकिस्तान को बताना है कि अगर वो वहाँ से उनको लॉन्च करने में मदद करेंगे या आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उनके अंडर हैं और उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे, फिर पाकिस्तान को इस तरह से उनके दांत खट्टे करने पड़ेंगे, मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। जी हाँ, आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय सेना उसे सबक सिखाने के लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकती है। भारतीय सेना के इस कठोर रुख के बाद अब पूरे पाकिस्तान में मच गया है हड़कंप। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारतीय सेना ने जब से पाकिस्तान की तबाही का यह वीडियो जारी किया है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सिर्फ 24 सेकंड में पाकिस्तानी पोस्ट धुआं धुआं हो गया। सिर्फ 24 सेकंड में भारत ने 1 मई की रात पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के हाथों मारे गए अपने दो जवानों परमजीत सिंह और प्रेम सागर की शहादत का बदला ले लिया। बदले का यह वीडियो 9 मई का है जिसे सेना ने कल जारी किया था और आज भारतीय सेना के एक और वीडियो से पाकिस्तान में मची है खलबली। सेना का यह नया वीडियो भी पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान देख ले दहशतगर्दों का साथ देने का क्या अंजाम होता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने एलओसी के पास उन्हीं पाकिस्तानी चौकियों और बंकरों को उड़ाया है जिनका इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के लिए किया जाता था और अब पाकिस्तान इसी बात से तिलमिलाया हुआ है। हमारा देश ऐसा देश है कि एक मैसेज हमने दिया है, एक उसके कुछ पहलू आप देख चुके हैं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल अचंभा कर दिया कि हिंदुस्तान एक तगड़ा देश है, ताकतवर देश है और इनकी फौज सक्षम है अपने देश की हिफाजत करने के लिए। तो हमारी फौज उनको नाकाम करेगी, उनके जो इरादे हमारे
देश के लिए नेक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से सटे फॉरवर्ड एयरबेस को ऑपरेशनल करते हुए एयरफोर्स को तैयार रहने का ऑर्डर दिया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान की वायुसेना के विमान ने सियाचिन के पास उड़ान भरी है। हालांकि भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान के विमान ने भारतीय सीमा के अंदर उड़ान नहीं भरी है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 से बौखलाया पाकिस्तान एक खास रणनीति के तहत भारत को उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। मैक्सिमम नंबर में आजकल वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो वो इन्फिल्ट्रेशन कोशिश वो लगातार कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये कि वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए उन्हें काफ़ी मिलिटेंट्स वहाँ से भेजने हैं जो ट्रेनिंग पे गए थे यहाँ से, और लोकल मिलिटेंट ग्रुप का भी गठन कर रहे हैं वो वहाँ पे। फिर उसके अलावा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल रोकने की कोशिश करते हैं कि ना होने पाए, पर्यटन वहाँ पे जा नहीं पा रहा है। फ्रीक्वेंट स्ट्राइक की कॉल्स देते हैं जिससे कि स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते हैं, स्कूल को जला रहे हैं, तो ये बिल्कुल लगातार इस तरह। और उनके ऊपर इस समय अमेरिका का बहुत प्रेशर है, तो उनकी कोशिश ये है कि अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद बदले के लिए छटपटा रहा है। लश्कर के आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने नौशेरा में फिर बैट कमांडो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान तैनात कर दिए हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान हर दिन नई चाल चल रहा है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 से बौखलाकर अब वो आतंक की नई साजिश रच रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसके जरिए पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ ही पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारतीय सेना का वीडियो सामने आते ही पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ गई है। भारतीय सेना ने 9 मई को एलओसी पार किस तरह आतंक के ठिकाने तबाह किए, ये वीडियो उसका महज एक नमूना है। चौबीस सेकेंड में 12 धमाकों के इस वीडियो से पाकिस्तान ऐसा दहला कि उसने भी एक ऐसा ही वीडियो जारी कर दिया। कल देर शाम पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि उसने भी नौशेरा सेक्टर में भारत की कई सैनिक चौकियां तबाह कर दी हैं। पाकिस्तानी सेना इस वीडियो को 13 मई का बता रही है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो खुद ब खुद पाकिस्तान की पोल खुल जाती है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जारी वीडियो में कई जगह कांट छांट साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी सेना का वीडियो जितने जवाब नहीं देता उससे ज्यादा सवाल खड़े करता है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दिन में जब भारतीय सेना के वीडियो और बयान का जवाब दिया, तब पाकिस्तान की तरफ से 13 मई को की गई इस कार्यवाही का जिक्र क्यों नहीं किया? 13 मई को भी पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी किया था। उस बयान में पाकिस्तानी सेना की किसी कार्रवाई का जिक्र नहीं था, फिर यह वीडियो कहां से आ गया? अगर सच में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट तबाह किए थे तो इसका जिक्र 13 मई की प्रेस रिलीज में क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तानी सेना के इस कथित वीडियो के झूठ के सबूत है बीपी न्यूज के पास। पाकिस्तान इस वीडियो में 13 मई को भारतीय सैनिक चौकियों को तबाह करने का दावा कर रहा है। 13 मई को एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू नौशेरा में ही मौजूद थे, जहां पाकिस्तान की ओर से ऐसी किसी भी कार्रवाई के कोई सबूत नहीं दिखे। हालांकि ये जरूर दिखा कि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है, उससे भारतीय गांवों और आम नागरिकों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। मैं सुरक्षा के तहत इस दीवार के आगे खड़ा हूँ और आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ ये काला गुबार है धुएं का, यहाँ अभी पाकिस्तान का एक मोर्टार आकर गिरा है। और आप दरअसल ये जो पहाड़ की चोटियाँ हैं, ये
विभाजित करती है भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को। उस तरफ बिम्बर और कोटली का इलाका है जहां से लगातार पाकिस्तान आज सुबह 7:30 बजे से गोले बरसा रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों ने पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं। जरूरत महसूस हुई तो पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा वीडियो पर भारतीय सेना आज जवाब दे सकती है। जग जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए एलओसी पार अपने ठिकानों को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करता है, और जब भारतीय सेना ने उन्हें तबाह कर पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया तो पाकिस्तान बौखला गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे वीडियो जारी कर किसे मूर्ख बना रहा है पाकिस्तान? आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर चाल चल रहा है। सच्ची घटना में आगे हम आपको दिखाएंगे भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के बाद पाकिस्तान ने क्यों सियाचिन के पास उड़ाया अपना लड़ाकू विमान। भारत ने पाकिस्तान की नापाक चाल के खिलाफ जब से बदले का वीडियो जारी किया है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और अब वो भारत को दे रहा है गीदड़ भपकी। ये तस्वीरें सियाचिन के पास पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस की हैं। आज पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख सुहेल अमान स्कर्दू एयरबेस पहुंचे थे। उन्होंने खुद लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इसके बाद खबर आई कि पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने सियाचिन में भारतीय सीमा के पास उड़ान भरी है। स्कर्दू सियाचिन के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है। सामरिक महत्व वाले इस इलाके में पाकिस्तान ने एयरबेस बना रखा है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने सियाचिन तो किया, भारत की एयर स्पेस में भी नहीं घुस पाया था। यानी कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने एयर स्पेस का कोई उल्लंघन किया ही नहीं था, यानी कि वो अपने इलाके स्कर्दू में ही लड़ रहा था। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने भारत में घुसने की कोशिश की होती तो उसका भारी नुकसान पाकिस्तानी वायुसेना को उठाना पड़ सकता था। भारत की तरफ से 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख स्कर्दू पहुंचे थे। स्कर्दू एयरबेस के दौरे के बाद पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने भारत को गीदड़ भपकी दी है। सुहेल अमान ने कहा है, भारत को ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख के इस बयान से साफ है कि भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान किस कदर हिल गया है। लेकिन पाकिस्तान को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर उसने कोई भी गलत हरकत की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने जहाज स्क्रैम्बल किए हैं सियाचिन की तरफ, ये हिंदुस्तान को प्रोवोक करने। हमारे वहां पे एयर डिफेंस रिसोर्सेज डिप्लॉयड है, जू गन है और मिसाइलें हैं। अगर पाकिस्तान के हवाई जहाज हमारी एयर स्पेस में आते हैं तो यकीनन हम कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान के जहाज को गिराएंगे। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।